तो मैं कीनोट देख रहा था अभी एप्पल का, जो कि अभी लॉन्च होने वाला है नया आईफोन आईपैड जो भी है, तो मुझे देखना था आईफोन के लिए। बट कीनोट वालों का हमेशा है कि आईफोन का एंड में दिखाते हैं सो दैट लोग पूरा कीनोट देख ले। बट इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock राइट नाउ एंड कल सुबह जब मैं, तो अभी मैं सोने वाला हूँ डायरेक्टली, इसका कल हाईलाइट्स देखेंगे। सो या गुड नाइट फॉर नाउ। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing great and a good, very good morning to all of you. कल रात को सोने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कीनोट देख रहा था मैं नए आईफोन के बारे में, पूरा नहीं देखा क्योंकि आईफोन उन लोगों ने लास्ट रखा था, तो मैं सोचा कि सो जाते हैं और एक डेढ़ घंटा वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आज देखेंगे। बट लेट होने की वजह से मैं आज लेट उठा और अभी फुल जिम जाने के लिए रेडी होके ही ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं बेड पर पड़ा रहता तो मैं नहीं जाता था जिम। तो अब भी तो रेडी हो गया हूँ और निकलते हैं जिम जाने को। डन विद द जिम, कमाल वर्कआउट हो गया, चेस्ट मारा आज एंड अभी घर आ गया हूँ। ऊपर जाऊँगा, व्लॉग एडिट भी करना है, कीनोट भी देखना है। सो इसको, सो हैविंग माई कॉफ़ी एंड ऑल्सो वॉचिंग कीनोट जो कल हो गया था। मैंने सिर्फ आईफोन का पार्ट लगाया है, आईफोन प्रो और प्रो मैक्स बहुत सही है। अभी इनका प्राइस देखना है मुझे, फोटो क्वालिटी तो बहुत खराब है। 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया है इन लोगों ने, बहुत सही है। अभी का जो मेरा है वो 12 मेगापिक्सल है, 12 से डायरेक्टली 48 मेगापिक्सल पे लेके गया है आईफोन। सो ओवरऑल ग्रेट फ़ोन, प्राइस देखेंगे एंड फिर सोचेंगे कि स्विच कर सकते हैं कि नहीं। सो आईफोन का ये वाला जो कलर है वॉयलेट वाला, बहुत सही है। एंड फिर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखा तो मैं 256 लेने वाला था, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो फाइल साइज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, सो स्पेस ज़्यादा चाहिए। मिनिमम 256 GB तो लगेगी, बट प्राइस देखो 1,40,000। 13 जो मैंने लिया था वो मेरे को पड़ा था 73 में, इस प्राइस में तो बहुत 213 आ जाएंगे। कैमरा का है ज़रूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बहुत कड़क आने वाला है इस फ़ोन का, बट आई डोंट थिंक 1,40,000 में अभी स्पेंड कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है, स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए 13 से 14 प्रो पर? प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड या बाकी का देखते हैं क्या है फीचर्स। सो आई एम ऑन apple.in राइट नाउ, लाइक इंडियन साइट, एंड द प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस फॉर 14 प्रो इज 1,30,000 एंड this is the US site and the price for 14 pro is $1,000, that is 80,000 rupees, 80,000 and 1,30,000, 50,000 का difference है boss, बहुत ज़्यादा difference है। तो अगर कोई US से आने वाला होगा तो मैं ज़रूर मंगाऊँगा 14 pro। सो मैं आ गया था बैंक अभी क्योंकि मुझे एक चेक डिपॉजिट करना था बैंक में, और अभी भागने वाला हूँ ऑफिस, तो गाड़ी में बात। तो बैंक का काम हो गया एंड जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अल्टरनेट डे कार और बाइक यूज़ करता हूँ, बट अभी 2-3 दिन से जो खतरनाक वाली बारिश हो रही है बॉस पुणे में, एकदम खतरनाक वाली है, लाइक ऐसे चालू हो जाती है और ऐसे बंद हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। बाहर धूप होती है, आप घर से बाहर निकलते हो नहीं तो ऑफिस से बाहर निकलते हो और एक सेकेंड में जैसे अपन नल खोलते हैं वैसी बारिश आ रही है, 2-3 दिन हो गए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये सब बंद नहीं होता बारिश वगैरह, तब तक अपन कार से ही जाते हैं ऑफिस। एंड जैसा कि मैंने अभी तक देखा है, विसर्जन के दिन तक आराम से रोज बारिश होती है, एक दिन भी ड्रॉप नहीं होता बारिश का। थिंक अबाउट द प्लान्स, मैं आजकल कुछ ज़्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये 10-12 दिन से ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल के बाद गणपति सेलिब्रेट हो रहा है और पुणे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लाइक 2-व्हीलर पार्क करने की भी जगह नहीं मिल रही है, इसीलिए ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहा मैं। बट ये गणपति ख़त्म होने के बाद ज़रूर कुछ प्लान करेंगे, बड़ा वाला प्लान करेंगे, बाहर घूमने के लिए जाएंगे, नहीं तो रोज़ शाम को कुछ तो प्लान करेंगे अलग से, क्योंकि ऑफिस की वजह से एक तो मैं फुल डे नहीं दे पाता व्लॉगिंग को, नहीं तो कॉन्टेंट बनाने को। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऑफिस के बाद रोज़ कुछ तो आपके लिए एक सही सा कॉन्टेंट लाऊँ, पुणे की जो बेहतरीन जगह है वो आपको दिखाऊं मैं, एंड घूमने का भी प्लान करें प्लेसेस नियर बाय पुणे, नहीं तो पुणे के बाहर जाएंगे जो भी है। सो टिल देन, जैसे अभी तक आप प्यार देते रहे हो चैनल को वैसे ही देते रहो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड या कॉन्टेंट एन्जॉय करो, थोड़े ही दिन में बहुत ज़बरदस्त वाले भी कॉन्टेंट आएंगे। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड अभी आपको मिलता हूँ डायरेक्टली ऑफिस खत्म होने के बाद। सो
ऑफिस हो गया, अभी जा रहा हूँ घर पे। घर जाने के बाद कॉफी ऑफी मारूंगा एक, और उधर से जाने वाला हूँ तीन चार डॉक्टर से मिलने, कुछ काम है, तो वो सारा काम खत्म करके ही आपको डायरेक्टली अभी मिलूंगा। और घर जाने में भी लाइक ऑफिस से निकलने में भी लेट हो गया आज, एंड बहुत जोर की बारिश चालू हो गई है। जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और विसर्जन तक होती रहती है बारिश पुणे में। सो या अभी डॉक्टर्स को मिलने के लिए भी कार से ही जाना पड़ेगा, टू व्हीलर से तो नहीं जाने वाला क्योंकि कल भी बहुत भीग गया था मैं ऑलरेडी। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। यहाँ पे हो गया है वाटर क्रॉसिंग, जो कि अभी मुझे क्रॉस करना है। सो क्या खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा था मुझे, बहुत अच्छा हुआ थैंक गॉड कि बारिश रुक गई और मैं टू व्हीलर लेके आया। अगर मैं फोर व्हीलर लेके आता था इधर तो फट जाती मेरी लाइक, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे तो लग जाते मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए। 9.5 किलोमीटर का रास्ता है और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हो गया मैं ड्राइव कर रहा था। अभी मैं डॉक्टर से मिल लिया, जो भी काम था वो ख़त्म कर लिया मैंने। ये ट्रैफिक जो था मोस्टली था गणपति विसर्जन की वजह से, कल गणपति विसर्जन है और आज लास्ट दिन है, तो बहुत सारे मंडल के लोग जो है वो आज लाइन में लगते हैं विसर्जन के, और बहुत सारे छोटे छोटे जो मंडल हैं उनको देखने के लिए इस एरिया के बहुत सारे लोग बाहर निकले थे क्योंकि आज लास्ट है, तो लास्ट डे में लोग गणपति देखने के लिए मोस्टली बाहर जाते हैं। सो या काम तो सारा हो गया, अभी जाने में भी 45-50 मिनट तो आराम से ही लगने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, एंड निकल के दो फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं तो उसको मिलूँगा, आधा एक घंटा चिल करूँगा उसके साथ, 1 घंटा के। अभी तो 8:45 वगैरह हो गए तो मोस्टली 15-20 मिनट उनके साथ चिल करूँगा और फिर घर निकलूँगा। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो यहाँ से निकलता हूँ नहीं तो आगे और ट्रैफिक लग जाएगा मेरे को। कल रात को पूरा काम खत्म करके मैं डायरेक्टली घर पे आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश चल गई थी, इसलिए किधर टाइम पास नहीं किया। एंड घर आते ही डिनर करने को बैठ गया, डिनर करके मैं रूम में आया, लेटा 5-10 मिनट और मेरे को कब नींद लग गई पता भी नहीं चला। एंड अभी मैं उठा हुआ 7:00 राइट नाउ और जिम जा रहा हूँ। सो ये वाला जो ब्लॉग है वो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर चैनल पे नए हो चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।